दोस्तों, अगर केवल 100% कॉपर रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा? 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों, अगर 100% निकल रहा तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 1452 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप बात समझो मेरी कि मैं क्या करने जा रहा हूं कि ए और बी से जो एक किलोग्राम बनाने थे, ए और बी से मैं क्या कर रहा हूं? ए बी बना रहा हूं। अब अगर मैंने ए इसमें रख दिया 1.1 किलोग्राम, ठीक है, और बी रखा 0.9 किलोग्राम, ठीक है, बी क्या है मेरा? निकल है। तो दोस्तों एक बात बताइए आप, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, अगर मैं एक लीनियर रूल के अंदाज से करूं तो 0.1 क्या है मेरा? ये कॉपर ए और बी ना लिख करके यार कॉपर ही इसको लिखते हैं। आइए, ये कॉपर ही रहेगा, कॉपर ही लिख रहे हैं इसको अब, ताकि समझने में आसान हो, आसानी हो, ठीक है ना। और जो भी एक्स बन रहा है, जो भी चीजें बन रही हैं, तो देखो आप, 0.1 कॉपर इंटू 1085 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.9 इंटू 1450 अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस 95 या 45 54 94 या 36 44 913। दैट मींस ये जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 1413.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी कि मैंने क्या किया था यहाँ पे, कहीं पे क्या किया था? अभी मैं आपको ग्राफ बनाऊंगा, अब समझना आप, यहाँ पे ये बनाऊंगा 1413.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, समझना आप। कंपोजिशन क्या था? यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 1413 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। रुक जाओ, पहले हम लोग सारा करते चलते हैं। सेकंड, अगर आप मान लो कि 0.2 किलोग्राम कॉपर था और प्लस 0.8 केजी क्या था? निकल था। अब बता दो जरा, तो अब आप बोलोगे 0.2 इंटू 1085 प्लस 0.8 इंटू 1450, तो आप क्या बोल दोगे इसको कि सर ये हो जाएगा 1217 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लस 85404 36311 60, और प्लस 217 कितना हो जाएगा? 1160 प्लस 217 773 1377, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना हो गया? 1377 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए हम लोग यहाँ आ गए कहीं पे, क्या जबकि 90% निकलता, जब 80% निकलता, ठीक है, कितना टेम्परेचर आ गया? 1300 समथिंग आ गया, कितना? 1377, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं हम लोग 1377, चलिए अब मैं थर्ड वाला एग्जांपल अगर आपको ले ले रहा हूँ कि सिमिलरली अलग अलग, अब ये अलग अलग मटेरियल सारे हैं ना, एक मटेरियल तो है नहीं, सारे सब में कंपोजिशन अलग कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं मटेरियल, क्या हो रहे हैं मटेरियल, तो खैर सारे अलग अलग हो जाएंगे, है कि नहीं, अलग अलग मटेरियल फॉर्म होंगे सॉलिडिफाई होने के बाद। अब दोस्तों मैंने क्या किया, कॉपर मैंने ले लिया 50% और निकल ले लिया मान लो आप 50%, तो मेल्टिंग पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा? 1085 इंटू 0.5, ठीक है, 542.5 प्लस क्या हो जाएगा? 1452 50 आप रख लो इंटू 0.5, यानी कि 725, तो 725 प्लस 542.5 576 1267, और नीचे फर्दर नीचे आ गया, यहाँ कहीं पे आ गया। इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, और ये ग्राफ जो होगा वो अभी हम लोग ऐसा बना लेते हैं, अभी आप परेशान ना हो, मैं आपको बताऊँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ कि ये ग्राफ ऐसा बनता है एक्चुअली में, इस टाइप का आता है, और इस जोन को क्या बोलते हैं अभी बता रहा हूँ आपको, दो मिनट के अंदर, दो मिनट आपके लिए पेशेंस रखें। आपने क्या कहा, जो पहला वाला कंपोजिशन था, जो पहला वाला मटेरियल अलग था, उसका टेम्परेचर कितना था मेल्टिंग? 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ले लो आप 1473 डिग्री का हम लोगों ने क्या लिया, मेल्टिंग पॉइंट वाला अलॉय ले लिया एक्स, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हुआ क्या है कि जब 1413 डिग्री पे से ऊपर ये अलॉय था, यानी कि जब यहाँ पे था, तो ये क्या था, इसके ऊपर लिक्विड था, ये पूरा क्या है, लिक्विड है,
है कि नहीं है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था? उसका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो 1413 ही था, तो पूरा का पूरा मेल्ट कर गया। अब एक बात बताओ, जैसे ही वो 1413 से नीचे आएगा, जैसे ही वो 1413 से नीचे आना चाहेगा, यहाँ से जैसे वो नीचे आना चाहेगा ये समझो आप, तो क्या होना चालू होगा? निकल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1452। क्या वो सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेगा? बोलोगे हाँ सर करेगा। तो क्या उसके अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस कंपोजिशन में पहले जो था ये 1413 वाला, पहले ये क्या था? लिक्विड था। और अब इसके अंदर आप बोलोगे कि सर निकल बनना चालू हुआ है, पूरा तो लिक्विड है लेकिन जहां तहां क्या है? पूरा तो लिक्विड है लेकिन जहां तहां क्या है? वो निकल बनना चालू हुआ है। तो यानी कि आप कहां पे अभी इस जोन के अंदर आ चुके हो। फिर उसके बाद क्या होगा? फर्दर आप कूलिंग करते जा रहे हो तो होगा क्या? अब कॉपर भी धीरे धीरे सॉलिडिफाई करेगा, तो कॉपर क्या करेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। और निकल क्या होगा दोस्तों? ये निकल है, अगर ये आप समझना कि अगर ये निकल है, ये निकल है, तो अब निकल जो होगा वो धीरे 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 बैठना चालू होगा बाउंड्री पे। बता रहा हूँ मैं, बताऊँगा आपको, टेंशन ना लो। अभी आप फिलहाल ये समझो कि एक टाइम के बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब दोनों के दोनों सॉलिड बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सारा का सारा कंपोजिशन लिक्विड था, ये वाला मशी जोन था, मशी जोन का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है। ये हो गया क्या आपका मशी जोन? मशी जोन का मतलब सेमाई सॉलिड टाइप का जोन बनता है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, समझ लो कैसे बन रहा है। और जैसे ही हम लोग इस टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे आ रहे हैं, तो वैसे ही क्या हो जा रहा है? वैसे ही ये पूरा का पूरा क्या कन्वर्ट हो जा रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। वैसे क्या हो रहा है? पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और क्या, कैसा कन्वर्ट हो जा रहा है? इस तरीके से क्या हो रहा है? अल्टरनेट प्लेटें वगैरह बन जाती हैं। अभी यहाँ पे प्लेटें मत बनाओ, इसके बारे में ना समझो आप। यहाँ पे कैसा डायग्राम बन जाता है? यहाँ पे जो डायग्राम बनता है वो हम लोग का बन जाता है कॉपर, और कॉपर के अंदर क्या बनेगा? जहां तहां बाउंड्री पे निकल आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉपर, कॉपर और ये निकल। तो इस तरीके से आपको एक चीज समझ में आया है कि एक मशी जोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? ये ऊपर जो है वो पूरा लिक्विड रहता है इस जोन के, नीचे पूरा सॉलिड रहता है, और ये जो मशी जोन है वो सेमी सॉलिड जोन बनता है। जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडस लाइन। और जो नीचे वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, ये कौन सी लाइन हो जाएगी? सॉलिडस लाइन आपकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, अगर मशी जोन फॉर्म होता है, सिमिलरली आप समझ लेना, हर एक कंपोजिशन के लिए इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, तो मुझको लग रहा है कि, मुझको इतना होप है कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए इसके अंदर काफी कुछ करना है हम लोग को। अब दोस्तों आइए मशी जोन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मशी जोन क्या होता है, ठीक है दोस्तों? ये जो ग्राफ है आपका किस चीज का है? टेम्परेचर है, और ये क्या है? कंपोजिशन है, ठीक है? इस साइड आपका कंपोजिशन बन रहा है। तो दोस्तों जो मशी जोन होता है वो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ टू फेज जोन, ऑफ कंपोनेंट्स इट फॉर्म्स ड्यू टू डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है दोस्तों? मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से फॉलो बन रहा था। थर्ड चीज ये हो रहा था कि इफ मशी जोन इज प्रेजेंट देन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, देखिए क्या होता है, जब ये सॉलिडिफाई होके नीचे चला जाता है, देन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द वेरिएशन इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज
विल बी व्हाट, विल बी हाई, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर वेरिएशन आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और फिनोमेना आएगा, वो क्या होता है, अगर मशी जोन प्रेजेंट रहता है तो फ्लूइडिटी जो आ जाती है लिक्विड की, जब वो सॉलिडिफाई, अरे जब वो लिक्विड रहता है तो उसकी फ्लूइडिटी जो रहती है वो क्या रहती है, डिक्रीज कर जाती है या लेस हो जाती है। तो ये चार पॉइंट जो हैं, ये हम लोगों को क्या करके, तीन पॉइंट जो है मेनली, और ये डेफिनेशन हम लोग, तो दोस्तों हम लोग आइसोमॉर्फस फोर्स फेज डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, और इस डायग्राम में हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो सब्सटेंस जिनका लिक्विड स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो, अगर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो दोनों फेज में अगर बराबर होती है, फुली सॉल्युबल होते हैं, तो आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम बनता है। अब दोस्तों इसमें कंपोजिशन निकालने के लिए कितना परसेंट सॉलिड है मशी जोन में और कितना परसेंट लिक्विड है, इसके लिए हम लोग एक रूल लगाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर रूल। ठीक है दोस्तों, क्या लगाएंगे, लीवर रूल लगाएंगे। जैसे आप सपोज करो ये सी नॉट है, ठीक है, अब अगर मान लो कि आपको दिया गया हो कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोगों को, ये लाइन के बारे में अभी आप मत सोचो, अभी अभी ये लाइन भूल जाओ, क्या दिया गया है कि 40% कंपोजिशन ऑफ निकल, 40% कंपोजिशन ऑफ निकल पर 40% निकल और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताना है कि परसेंटेज कितना लिक्विड है और परसेंटेज कितना सॉलिड का है। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक लाइन खींच देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, अब इस लाइन पे 40% वाला, 40% के लिए हम लोग यहाँ पर एक सी नॉट लाइन को प्लॉट कर लेंगे नीचे की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक लीवर का फलक्रम लगा देते हैं, ठीक है, जहाँ पे इसने लिक्विड लाइन को टच किया है ये आपका हम लोग लिख लेंगे सी एल, लिक्विडस को टच कर रहा है तो सी एल, और सॉलिडस को टच कर रहा है तो सी एस लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लिक्विड होता है, जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लिक्विड होता है, अगर आप ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एक्स है, अगर ये सी नॉट की वैल्यू 40 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे सी एस की वैल्यू 70 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x है और ये y है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 20 और y की वैल्यू हो जाएगी 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लिक्विड जो होता है वो y डिवाइडेड बाई x प्लस y होता है। y की वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन के लिए कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से हमारे क्वेश्चन के लिए 30 हो जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, दैट मीन्स 60% लिक्विड है और सॉलिड कंपोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई या 1 माइनस सी एल, तो ये क्या हो जाएगा 40%। ठीक है दोस्तों, तो लीवर रूल आपको, आई होप कि आपको लीवर रूल समझ में आ गया होगा कि लीवर रूल कैसे निकालते हैं, गिवन कंपोजिशन और गिवन टेम्परेचर पे क्या किया हम लोगों ने, मान लो आपकी 1300 पे निकालना होता आपको, तो 1300 पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे टाई लगा देते, आप इस तरीके से क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर लेते और पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करके क्या करते हैं, आप ड्रॉप कर देते और उसी हिसाब से आप एक्स वाई करके वैल्यू उसको कैलकुलेट कर लिए होते। ठीक है, अब चलिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ते हैं कि ग्रेन कैसे बनता है, ग्रेन बाउंड्री क्या कहलाता है, ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे। आइए पहले ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री समझ लेते हैं और आइसोमॉर्फस डायग्राम के अंदर डिफ्यूजन को समझते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, और ये कॉमन डिफ्यूजन है, ये केवल आइसोमॉर्फस में नहीं, आपको हमेशा ही समझना पड़ेगा डिफ्यूजन एंड ग्रेन बाउंड्री फॉर्मेशन, ये अब यहीं पे देख लेंगे ताकि हम लोग को हर एक फेज डायग्राम में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड ग्रेन बाउंड्री
फॉर्मेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, अब हम लोग अंदर का सारा डायग्राम को क्या कर दे रहे हैं, एक बार रब कर दे रहे हैं फिर से। और हम लोग किसी भी कंपोजिशन के लिए अभी ये वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हटा दीजिए आप इन सारी वैल्यू से, आपको कोई लेना देना भी नहीं है कुछ टाइम के लिए। देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका लिक्विड फेज है कि नहीं है, ये क्या है लिक्विड फेज है एट दिस पर्टिकुलर कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी कंपोजिशन सी रहा हो। अब इस कंपोजिशन पे जैसे ही वो कहाँ पे आएगा, ये अगर ए स्टेट है तो ए स्टेट की बात है। अब मैं आपको बी स्टेट की बात बताता हूँ। देखिए बी स्टेट में क्या होगा, स्टेट ए के बारे में हम लोगों ने डायग्राम बना लिया, क्या हो गया लिक्विड फेज था पूरा ए स्टेज पे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि निकिल जो है वो जहां तहां क्या होना चालू किया, सॉलिडिफाई होना चालू करेगा बी पॉइंट पे। तो ये हम लोग का बी हो गया, क्या हो गया मशी जोन। तो क्या हो गया यहां पे, ये जहां तहां निकल का फॉर्मेशन होना चालू हुआ, ठीक है। ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है हम लोगों ने इसको निकल बोल देते हैं, और बाकी सारा क्या है अभी भी लिक्विड है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये कंपोजिशन कहाँ आएगा, सी पॉइंट पे आएगा। और सी पॉइंट पे दोस्तों अब क्या होगा, पहले कॉपर बनना चालू करेगा। कॉपर अगर बनना चालू करेगा तो देखिए क्या होगा, कॉपर इस तरीके से क्या करेगा, पूरे मैट्रिक्स में बनने की कोशिश करेगा। और निकल क्या करेगा, निकल इस तरीके से ग्रेन बाउंड्री पे डिफ्यूज होके आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये निकल हो जाएगा, और बाकी जो पूरा मैट्रिक्स है वो क्या बचे रहेगा, कॉपर होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ ये डायग्राम आप फाइनल वाला डायग्राम भी बना लो, ठीक है, ये फाइनल डायग्राम भी आप बना लो, और यहाँ पे आप लिख लो कि निकल क्या हो गया ग्रेन बाउंड्री पे चला गया, और बाकी पूरा क्या है कॉपर है। लेकिन ऐसा मैकेनिज्म क्या हुआ, तो दोस्तों होता क्या है कि अब इस डायग्राम की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अब मैकेनिज्म देखेंगे डिफ्यूज़न का और ग्रीन बाउंड्री फॉर्मेशन का। दोस्तों होता क्या है कि कोई सा भी अगर जो मटेरियल अगर आपका है वो होगा क्या, जैसे ही वो लिक्विड फेज से सॉलिड की ओर कन्वर्ट होता है, तो होता क्या है कि एक जगह पे इस तरीके से एक सॉलिडिफिकेशन फ्रंट बन जाता है, ठीक है, ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट बनने चालू हो जाता है। मतलब जगह जगह पे क्या होता है, इधर की ओर बताता हूँ आपको, परेशान ना हो, और ये इधर की ओर होता क्या है कि वेन एवर अ लिक्विड सॉलिडिफाइज, whenever a liquid solidifies, starts to come below its melting point, then solidification starts at thousands of places. देखो आप बहुत सारी जगहों पर क्या होगा, solidification start हो जाएगा, then solidification starts at many places. ठीक है दोस्तों, एंड क्या होगा उसके बाद, एक सॉलिडिफिकेशन फ्रंट डेवलप करेगा, क्या होगा एक सॉलिडिफिकेशन, जैसे कि अगर आप एक पूरा का पूरा मान लो कि ये पूरा लिक्विड है, इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे हुआ, तो हर एक जगह पे क्या हो जाएगा, एक लिक्विड एक सॉलिडिफिकेशन के फ्रंट बन जाएंगे। ये क्या है आपके, ये फ्रंट्स हैं, अलग अलग फ्रंट्स हैं, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन फ्रंट्स मेनी प्लेसेस एंड सॉलिडिफिकेशन फ्रंट डेवलप्स, ठीक है दोस्तों, क्या कर जाएगा डेवलप कर जाएगा। अब ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट जो है, एसएफ से मैं डिनोट कर रहा हूं, ट्रेवल्स टूवर्ड्स द सेंटर। तो देखिए दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद अब ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट जो है इस तरीके से क्या करता जाएगा, आगे की ओर आता जाएगा, इधर की ओर आएगा, इधर वाला क्या करेगा आप देखो, ये वाला इधर की ओर आ जाएगा और यहां वाला क्या करेगा,
ये वाला इधर की ओर मूव करेगा। तो इससे होगा क्या, आप समझना कि जो ये फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम के लिए था, ये सेकंड डायग्राम के लिए था, थर्ड डायग्राम में देखिए अब क्या होगा, अगर ये वाला पॉइंट अगर मैं रब कर दूं, तो आपको देखेंगे इससे क्या होगा कि अब इसकी वजह से क्या होगा, कभी सॉलिडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, एक ओरिएंटेशन का मिसमैच हुआ है, तो ओरिएंटेशन मिसमैच हुआ तो देखो अब क्या होगा, इस तरीके से अलग अलग ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा अलग अलग, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या होगा, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन फ्रंट ट्रेवल्स टूवर्ड्स द सेंटर एंड देयर विल बी ओरिएंटेशन मिसमैच और क्या होगा कि जो अलग अलग फ्रंट्स हैं वो क्या करेंगे, एक गिवन डायरेक्शन में क्या करेंगे, सॉलिडिफाई कर जाएंगे, और क्या होगा कि जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट्स विल सॉलिडिफाई इन देयर ओन डायरेक्शन और क्या हो जाएगा, एक बाउंड्री का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बाउंड्री का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड बाउंड्री विल बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, बाउंड्री फॉर्म कर जाएगा, और इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेन बाउंड्री बोलेंगे अब से, क्या बोलेंगे, ये ग्रेन बाउंड्री हो गई, ये ग्रेन बाउंड्री हो गई, ठीक है दोस्तों, क्या हो गई ये एक एक जो है ये क्या हो गई हम लोग की, ये ग्रेन बाउंड्री हो गई, ये क्या हो गई, ये ग्रेन बाउंड्री हो गई, और जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या हो गया, ये जो अंदर वाला पार्ट हो गया पूरा वो क्या हो गया, एक ग्रेन हो गया, समझे। तो ये जो तरीका होता है ये क्या होता है, ये ग्रेन बाउंड्री का फिनोमेना होता है कि ग्रेन बाउंड्री क्या होती है और ग्रेन क्या होता है। हजारों जगह पे सॉलिडिफिकेशन चालू हो गया, सारे सॉलिडिफिकेशन जाने लगे, एक जगह जहाँ पे टकराए वहाँ पे ओरिएंटेशन का मिसमैच हुआ, और जहाँ पे ओरिएंटेशन का मिसमैच हुआ वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन फ्रंट सॉलिडिफाई कर गए एक गिवन डायरेक्शन में, वहाँ पे बाउंड्री फॉर्म हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए होता क्या है, ये तो डायग्राम लोग का समझ में आ गया, तो मैं आपको इतना हम लोग समझ गए ग्रेन बाउंड्री के बारे में, हम लोग क्या कर लिए समझ गए इस वाले डायग्राम में। अब देखिए डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न वो होता है दोस्तों, इसी डायग्राम में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न इज फिनोमिना व्हेन इन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, जब दो एलिमेंट्स हैं क्या क्या ए और बी है, उन दो एलिमेंट्स ए और बी में इफ परसेंटेज कंपोजिशन, अगर हम लोग ए का परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात करें, इफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी, ठीक है ना, यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर कॉपर ग्रेटर देन निकल हो तो होता क्या है इस केस में, निकल क्या करेगा, निकल स्टार्ट करेगा क्या पहले सॉलिडिफाई करना, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करेगा, ये ग्रेन बाउंड्री का फीचर होता है, पहला चीज क्या होगा, निकल सॉलिडिफाई होना चालू किया। अब देखिए फीचर क्या होता है एक ग्रेन बाउंड्री का, फीचर ऑफ ग्रेन बाउंड्री कि अगर कोई फॉरेन एलिमेंट है, अगर कोई फॉरेन एलिमेंट का मतलब है कि कॉपर के मैट्रिक्स में क्या है, कॉपर के मैट्रिक्स में, कॉपर का यानी कि पूरा पूरा मैट्रिक्स है, तो उसमें निकिल क्या है, उसमें निकिल जो है वो क्या है, एक फॉरेन एलिमेंट है या एलियन एटम है कि नहीं, एलियन है, तो ये करता क्या है, एक फीचर होता है ग्रेन बाउंड्री का कि अगर कोई फॉरेन एलिमेंट होता है तो उसको क्या करता है, फीचर ऑफ ग्रेन बाउंड्री की फॉरेन एलिमेंट्स आर पुश्ड और थ्रोन टूवर्ड्स ग्रेन बाउंड्री, ठीक है दोस्तों, कहां पे, ग्रेन बाउंड्री पे। तो होता क्या है कि जो निकल होता है वो क्या हो गया, वो निकल कहां पे थ्रो कर दिया जाएगा, ग्रेन की बाउंड्री पे थ्रो कर दिया जाएगा निकल, और क्या हो जाएगा, वो जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, ग्रेन बाउंड्री पर लग जाएगा। अब अगर आप देखो तीसरी चीज, आप खुद ही कहोगे सर जो फॉरेन एलिमेंट मेरी ग्रेन की बाउंड्री पर आया है,
सर अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मेरे अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, और सर अगर जो दूसरा एलिमेंट जो ग्रेन बाउंड्री पे आया है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो ग्रेन बाउंड्री क्या कर जाएगा, ग्रेन बाउंड्री का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि अब देखो फीचर ऑफ ग्रेन बाउंड्री का जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेने जा रहे हैं कि ग्रेन बाउंड्री क्या होते हैं, दे आर हाई एनर्जी साइट्स ठीक है दोस्तों। अच्छा दूसरी चीज, ये जो थ्रोइंग की जो प्रोसेस है थ्रोन टूवर्ड द ग्रेन बाउंड्री, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है हमारे निकिल का, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। कहाँ डिफ्यूज होकर जा रहा है, ग्रेन बाउंड्री पे जा रहा है ठीक है ना। हाई एनर्जी साइट्स होते हैं क्या, ग्रेन बाउंड्रीज आर, ग्रेन बाउंड्री आर हाई एनर्जी साइट्स। और क्या होता है यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री पे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इज हाई, बॉन्ड लेंथ आर लार्ज ठीक है। अब अगर बॉन्ड लेंथ अगर आपका ज्यादा है तो होगा क्या कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होगा, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होगा विल अटैक एट ग्रेन बाउंड्री। केवल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात ना करें हम लोग, होता क्या है कि जो एनर्जी साइट्स होती है ना ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री पे क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ग्रेन बाउंड्री पे रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इस वजह से क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है वहां पे अटैक करता है ग्रेन बाउंड्री पे ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप इस चीज को आप समझना कि ग्रेन बाउंड्री, यहीं से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, अब होगा क्या, हाई एनर्जी साइट्स हैं, ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, ज्यादा बॉन्ड लेंथ है तो एक्टिव ज्यादा है, अगर एक्टिव ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहाँ पर अटैक करेगा, ग्रेन बाउंड्री पर अटैक करेगा। एंड इफ O2 रिएक्ट्स विथ ग्रेन बाउंड्री देन क्या कर देगा, देन फॉर्म ऑक्साइड, और होगा क्या कि ग्रेन बाउंड्री क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो दोस्तों होगा क्या, ग्रेन बाउंड्री आपकी वीक हो जाएगी। अगर आपकी ग्रेन बाउंड्री वीक हो जाएगी मतलब आप समझो कि देखो अगर ये आपका ओरिजिनल सब्सटेंस था और अगर आपकी ग्रेन बाउंड्री पे O2 अगर आ करके क्या कर दिया, ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया, तो ये ग्रेन बाउंड्री क्या है, ये जो बाउंड्री है वो क्या है, वीक हाई एनर्जी साइट है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या कर लेगा, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेगा, और ऑक्साइड फॉर्मेशन अगर हो गया ग्रेन बाउंड्री पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब उस बाउंड्री का, देखो कोरोजन एक अलग से सेपरेट सब्जेक्ट है, एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन कोरोजन आपको हर जगह समझ में आता रहेगा। कोरोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री क्या हो गई, उसकी वीक हो गई है ना दोस्तों। अब देखिए मैं क्या करूं, अगर इसके अंदर इसका एक क्या होता है, एक इसका ट्रीटमेंट भी होता है कि कैसे हम लोग कोरोड होने से बचाएं। तो देखिए अगर आप मुझको एक बात बताइए कि आपने क्या बोला कि सर ग्रेन, किसी मटेरियल का ग्रेन ऐसा होता है कि अगर उसके अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट आया है तो उसको कहाँ पे थ्रो कर रहा है, वो ग्रेन बाउंड्री पे थ्रो कर दे रहा है। अब अगर ग्रेन बाउंड्री पे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वीक मटेरियल अगर आया, अगर ग्रेन बाउंड्री पे वीक मटेरियल आया, अगर ग्रेन बाउंड्री पे वीक मटेरियल आया तो सबसे पहले कहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है किसी मटेरियल का, ग्रेन बाउंड्री पे। तो आपका पूरा ग्रेन कितना भी मजबूत हो, अगर आपका बाउंड्री कमज़ोर है तो आपका मटेरियल कमज़ोर है। पर अगर वहीं पे अगर आपका एक ऐसा मटेरियल चला गया जिसका कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी होता ही नहीं है, और हो जाता है तो ऐसा सब्सटेंस बना लेता है जो कि कोरोजन नहीं होने देगा, तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर में, 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है। देखिए तो इसका अगर हम लोग ट्रीटमेंट, देखिए ये होता है कि इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रोमियम इज एडेड इनटू द मटेरियल, अगर पहले से मिला दो आप, तो क्रोमियम क्या है, फॉरेन एलिमेंट है, क्या हो जाएगा इसको, ग्रेन बाउंड्री क्या करेगी, ग्रेन क्या करेगा,
थ्रोन एट ग्रेन बाउंड्री, ठीक है ना। अब क्या करता है, क्रोमियम एट ग्रेन बाउंड्री क्या करता है, कैप्चर कर लेता है ऑक्सीजन को और क्या बना देता है, क्रोमियम ऑक्साइड। अच्छा, क्रोमियम ऑक्साइड जो है Cr2O3 जो है वो क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है एंड हाई स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाता है आपका, कोरोजन का फिनोमेना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपका कोरोजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि दैट इज व्हाई क्रोमियम इज एडेड इनटू स्टील आल्सो, ठीक है। होता क्या है कि आयरन जो होता है, देखो समझो आप यहाँ पे इस चीज़ को, अगर ये आप ये आयरन का मैट्रिक्स मान लो, आयरन मतलब कि स्टील मान लो, ठीक है। इस स्टील की ये क्या है, बाउंड्री है। इस स्टील की ये क्या है, बाउंड्री है। इस स्टील की ये क्या है, बाउंड्री है। ऑक्सीजन आता था बाउंड्री पे आयरन के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बना लेता था, इसको और क्या बोलते हैं, रस्टिंग हो गई। क्या बोल दिया, रस्टिंग हो गई, ठीक है। अगर आप बताओ कि अगर इस मटेरियल के अंदर पर अगर हम लोग क्रोमियम डाल दें तो क्रोमियम कहाँ डिफ्यूज होकर चला जाएगा, क्रोमियम का डिफ्यूजन कहाँ पे हो जाएगा, क्रोमियम का डिफ्यूजन कहाँ हो जाएगा, क्रोमियम का डिफ्यूजन कहाँ हो जाएगा, क्रोमियम का डिफ्यूजन हो जाएगा ग्रेन बाउंड्री पे, क्या चला आएगा, क्रोमियम। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आएगा, अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, Cr2O3। और अब ये जो पूरा सब्सटेंस है ग्रेन बाउंड्री पे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा, अब इसकी रस्टिंग नहीं हो पाएगी, और ये क्या है, आयरन है, तो अब ये बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। क्या बन जाएगा, ये स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों लास्ट फिनोमेना पढ़ते हैं आइसोमॉर्फस फेस डायग्राम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग एंड मिसिबिलिटी गैप पढ़ रहे हैं, वो इसी का टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, वो इसी टॉपिक के अंदर में आ रहा है, आइसोमॉर्फस के अंदर ही है। देखिए क्या होता है लोअरिंग, अगर एक बात बताओ, डिफ्यूजन अभी आपने पढ़ा और डिफ्यूजन में आपने बोला कि सर अगर मैं एक थोड़ा अच्छे खासे टेम्परेचर पे ले जा करके एट क्या होता है, जो हेडिंग है, हेडिंग आपकी यह है लोअरिंग एंड मिसिबिलिटी गैप। देखिए पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ा कि जब टेम्परेचर क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर निकल कहां डिफ्यूज करता है, निकल डिफ्यूजेस एट ग्रेन बाउंड्री, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताओ आप, जो नॉर्मल जो होता है, अगर आप आराम से कूलिंग करा रहे थे इस मटेरियल का, जो आप ऊपर से नीचे आ रहे थे फेस डायग्राम के अंदर, तो ये कूलिंग रेट क्या हो रहा था, dt by dtau की वैल्यू जो थी वो स्लो थी, ठीक है। तो आपका इसकी वजह से क्या हो रहा था, निकल कहाँ प्रेजेंट था, निकल एट ग्रेन बाउंड्री प्रेजेंट था, ठीक है दोस्तों, निकल डिफ्यूजन एट ग्रेन बाउंड्री। अब देखो होता क्या है कि निकल टेम्परेचर जो है, निकल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, हाई है देन कॉपर। अगर आप कोई सभी मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो जहाँ पे कि टेम्परेचर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है ड्यूरिंग मैकेनिकल फॉर्मिंग, क्या होता है, अगर आपने मैकेनिकल फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है जिसमें कि हम लोग मटेरियल को गर्म करके लोड लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, ये ऑपरेशन अगर मान लो कि ये रोलर है और हम लोग का मटेरियल जो रॉड होता है उसके बीच में अगर आप डाल दोगे तो ये इस तरीके से क्या होता है, रॉड बन बन के निकलते रहते हैं, ठीक है, ये हैवी रोलर्स होते हैं, इसको रोलिंग बोलते हैं। फोर्जिंग ऑपरेशन देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, रोलिंग होता है। इस बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या करते हैं, 0.5 मेल्टिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, मतलब कि मेल्ट नहीं करते हैं लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर ले जाते हैं, यहाँ पर रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। सिमिलरली दोस्तों क्या करते हैं,
फोर्जिंग ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा सा हैमर लाते हैं, ये वर्कपीस है हम लोग का, और नीचे क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये बार बार क्या करते हैं हम लोग, प्रेस करते रहते हैं, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके का पतला सा प्लेट बन जाता है। इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं फोर्जिंग, मतलब इस तरीके के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग मैकेनिकल फॉर्मिंग क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मटेरियल हम लोग का क्या करता है, मटेरियल फेल नहीं करता है, मटेरियल फेल नहीं करेगा, ठीक है ना, मटेरियल डज नॉट फेल लिख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, मटेरियल डज नॉट फेल। ठीक है, पर अब देखिए ड्यूरिंग मैकेनिकल फॉर्मिंग अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या हो रहा था, मटेरियल डज नॉट फेल, क्यों, क्योंकि निकल कहाँ प्रेजेंट था, ग्रेन बाउंड्री पे। अगर हम लोग इफ डी टी बाई डी टाउ जब पढ़ रहे थे हम लोग, यानी कि हम लोग क्या कर दिए, रैपिडली कूल कर दिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या कर दिए, इफ आवर मटेरियल इज रैपिडली कूल्ड, ठीक है, आपने उठाया उसको और कहाँ पे डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो बहुत तेजी से कूल कर जाएगा। तो इफ़ आवर मटेरियल इज रैपिडली कूल्ड तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे अब मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निकिल विल नॉट डिफ्यूज, क्योंकि देखिए डिफ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर का होना ज़्यादा जरूरी है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ्यूजन बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो डिफ्यूजन बढ़ता है, डिफ्यूजन एक अच्छी चीज़ है, डिफ्यूजन बढ़ता है, तो निकल विल नॉट डिफ्यूज एट ग्रेन बाउंड्री एंड विल बी ट्रैप्ड इन द मटेरियल, कैसा, समझो आप इस चीज को। देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि पहले वाले केस में जो आपकी ग्रेन बाउंड्री है उसमें यहाँ पे निकल पहुँच चुका था, तो आपकी ग्रेन बाउंड्री क्या हो गई थी, मजबूत हो गई थी। जो सेकेंड केस था, विल बी ट्रैप्ड इन द मटेरियल, देयरफॉर ग्रेन बाउंड्री इज वीक। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मिंग ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ग्रेन बाउंड्री मेल्ट कर जाएगा और मटेरियल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे लोरिंग एंड मिसिबिलिटी गैप। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर दोस्तों ये बहुत लास्ट पॉइंट है, इस कंडीशन के अंदर देखिए दोस्तों क्या होगा, ग्रेन बाउंड्री पे निकलना पहुंच करके निकल कहाँ हो जाएगा, जहां तहां ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रेन बाउंड्री है वहां पे क्या रहेगा, कॉपर ही रहेगा, कॉपर रहेगा, मान लो आपकी थोड़ा मोड़ा चलो निकल भी है, तो अब आपका मटेरियल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, और जब आपका मटेरियल फेल कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल का फेलियर का एक मैकेनिज्म होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोरिंग एंड मिसिबिलिटी गैप बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने ह्यूम रॉथरी रूल को कवर किया अच्छे से, हम लोगों ने डिफ्यूजन को समझा, ग्रेन बाउंड्री का फॉर्मेशन समझा, इसके अलावा हम लोगों ने आइसोमॉर्फस फेस डायग्राम पढ़ा, लीवर रूल पढ़ा, मशी जोन पढ़ा, ये सारे ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने निकल कार्बन का फेस डायग्राम भी कवर किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे यूटेक्टिक फेस डायग्राम, जिसके अंदर की बेबिट अलॉयज भी आएंगे, सोल्डर मटेरियल भी आएंगे, और यहाँ पे तो आपको केवल सॉलिडस और लिक्विडस लाइनें मिली थी, वहाँ पे दो और प्रकार की लाइनें मिलेंगी, और जब हम लोग वहाँ पे करेंगे तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।